ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తప్పుడు విధానాలతో దేశాన్ని తిరోగమనం వైపు తీసుకువెడుతుంటే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అనాలోచిత నిర్ణయాలతో తెలంగాణ రాష్టాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ నేతలు ధ్వజమెత్తారు. నిజామాబాద్ లో పీసీసీ కార్యదర్శి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన జన ఆవేదన సమ్మేళనం కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చారు. తెలంగాణ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి దిగ్విజయ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారుపై విరుచుకుపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ హామీలను గాలికి వదిలేసి కాలయాపన చేస్తున్నారన్నారు. నల్లధనాన్ని వెలికి తీస్తామని నోట్ల రద్దు చేపట్టిన మోదీ 100 రోజులు గడిచినా ఎంత నల్లధనం బయటకు తీశారో ఎందుకు చెప్పటం లేదన్నారు. పేటీఎం రూపే మాస్టర్ కార్డ్ సంస్థలకు సహకరించేందుకు నోట్ల రద్దు నాటకానికి మోదీ తెరలేపారని ఆరోపించారు. ముస్లింల సమస్యలను గాలికి వదిలేసిన ఎంఐఎం బీజేపీ టీఆర్ఎస్తో రహస్య దోస్తీ చేస్తోందని విమర్శించారు. जो वादे नरेंद्र मोदी ने किए थे और जो वादे केसीआर साहब ने किए उसमें बात साबित हो जाएगी कितना बड़ा झूठ दोनों बोलते रहे हैं. एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया. नरेंद्र मोदी जी ने क्या समझ में उनके बात आई जो नोटबंदी कर रही कहते देश के लिए नोटबंदी आवश्यक थी, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और नकली नोट समाप्त हो जाएगी. इसलिए देश के लिए आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए. गरीब लोग, मध्यम परिवार के लोग तो लाइन में लग गए. कोई बड़ा आदमी लाइन में खड़ा होता हमने नहीं देखा. गरीबों को तो परेशानी हुई, बड़े उद्योगपतियों को तो उनके घर पर बैंक के मैनेजर्स ने नए नए नोट पहुंचा दिए. क्या काला धन समाप्त हो गया? काला धन सफेद धन क्या होता है? 100 रुपए का नोट अगर आपने टैक्स जमा कर दिया तो सफेद धन हो गया, और टैक्स जमा नहीं किया तो काला धन हो गया. और वही काला धन आपने भेटी सरकार से उन्होंने कहा था काला धन जमा नहीं होगा, लेकिन 50 दिन होने के बाद भी आज 2.5 महीने होने आए ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि 15.5 लाख करोड़ नोट जो प्रचलन में थे उनमें से कितने वापस आ गए आज तक आरबीआई हमको नहीं बता पाया. कौन सा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? मैं निजामाबाद के लोगों से पूछता हूं, क्या तहसीलदार ने, थानेदार ने, आपके और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने? अनेक लोग मुझे बताते हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी कहते हैं कि ठीक है नोट तुम्हारे पास ना हो तो सोना दे जाओ. ये भ्रष्टाचार पूरे तरीके से आज फैला हुआ है, कोई समाप्त नहीं हुआ. आतंकवादियों को पकड़ा गया, उनके पास से नए पुराने नोट नहीं निकले, नए नए नोट 2-2 हजार के उनसे पकड़े गए. नकली नोट सब जमा हो गए, और जो नकली नोट चलते नहीं वो सब अब बैंक में जमा हो गए. जिसके पास नकली नोट था वो भी चल गया. कहां से वो चेक लेंगे? चेक बनाने के लिए 10-10 बार चक्कर काटना पड़ेगा. पूरा व्यापार ठप हो गया, और आरबीआई के गवर्नर खुद इस बात को महसूस करते हैं कि हां नुकसान हुआ है, आगे ठीक हो जाएगा. आगे कब ठीक हो जाएगा? ये भी एक अजीब बात है कि अरुण जेटली जी कहते हैं हमारे वित्त मंत्री जी की नोटों की कहीं कमी नहीं है, लेकिन हमारा पैसा हम जब निकालने जाते हैं तो कहते हैं अभी मत निकालो, अभी 24,000 ले लो, बाकी बाद में ले लेना. पूरे देश में नोटबंदी की वजह से अफरा तफरी हो गई, और नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला क्यों लिया
ये खूंटिया जी ने आपको बता दिया। केवल बड़े बड़े वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, पेटीएम को मदद करने के लिए ये फैसला लिया है। और हमारा ये आरोप है कि बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, असफलता केंद्र सरकार की भी है, असफलता राज्य सरकार की भी है। हमें जनता के बीच में जाना है। उत्तम रेड्डी साहब, जनरल रेड्डी साहब, हनुमत राव साहब और सभी हमारे बड़े नेता जगह जगह जा रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और केसीआर साहब को उनको आईना दिखा रहे हैं। केसीआर साहब के लिए परिवार के बाहर उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो उनके पुत्र, उनकी पुत्री, उनका भतीजा, ये ही टीआरएस है और उसी को पूरा फायदा पहुंचाने का प्रयास है। जब दो सांसद तेलंगाना राज्य बना सकते थे, अगर सोनिया गांधी और कांग्रेस का और डॉक्टर मनमोहन सिंह का समर्थन नहीं होता तो तेलंगाना राज्य नहीं बन सकता था। गलती हम लोगों से हुई। कांग्रेस पार्टी को जो फायदा लेना चाहिए था हम फायदा नहीं ले पाए, गलती हम लोगों से हुई। लेकिन अब लोगों के बाद समझ में आ रही है कि केसीआर साहब का केवल नौटंकी केवल रहा और पूरे तरीके से ये सरकार केवल उनको लाभ पहुंचाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। ये भी एक आप लोगों ने देखा, 8 नवंबर को जब नोटबंदी हुई तो केसीआर साहब बड़े परेशान हुए कि उनके पास जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे उनका क्या होगा। इसलिए पहला बयान उनका तो ये आया कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन पिच सेटिंग बराबर शायद हो गई, उनका आस्था ठीक है, अच्छा निर्णय है। तो ये केवल ये सेटिंग करने वाले नरेंद्र मोदी और सेटिंग करने वाले केसीआर साहब, इन दोनों ने पूरी जनता को देश में तेलंगाना में लूटा है, इसका हमें विरोध करना है। निजामाबाद एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। शबीर अली साहब ने बताया कि राजशेखर रेड्डी जी के कांग्रेस के नेतृत्व में यहां बहुत कुछ काम हुआ। हमारे सुरेश रेड्डी साहब यहां स्पीकर थे, दर्शन रेड्डी साहब हमारे मिनिस्टर थे, शबीर साहब मिनिस्टर थे, हमारे निजामाबाद के मधु याक्षी साहब आपकी लड़ाई लड़ते रहे, तेलंगाना की बड़ी लड़ाई लड़ी इन लोगों ने, हेमंत प्रभाकर जी ने। लेकिन लाभ उसको हुआ जिसके पास कुछ था नहीं। लोगों की बात अब समझ में आ रही है, लोग समझ गए हैं और 2019 के चुनाव की वो इंतजार में है। किस तरह से नरेंद्र मोदी और केसीआर दोनों की सरकार गिराना है, हम लोग सरकार गिराएंगे, गरीबों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में काम करेंगे। हमारे मुसलमान भाइयों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये एमआईएम के झांसे में ना आया करें। मेरा ये आरोप है एमआईएम के असद ओवैसी और अकबर ओवैसी केवल भाजपा को मदद करने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कांग्रेस से जब से गरीब, दलित और मुसलमान अलग हुआ है, आदिवासी अलग हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठकर आई है। ये पैसा लेकर, मेरा ये आरोप है, इन्होंने बिहार में पैसा लिया, यतीन ओझा जो कि भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक गुजरात के हैं, उन्होंने तो चिट्ठी लिख के कहा है
कि बिहार चुनाव के पहले अमित शाह के घर पे 3 बजे रात को अकबरुद्दीन ओवैसी की और अमित शाह की मीटिंग हुई, जिसमें 400 करोड़ रुपए में उम्मीदवार बिहार में खड़ा होने का उनका निर्णय किया। यूपी में भी जीतने वाले नहीं है। हनुमंत राव साहब, पिछले 2-2.5 महीने से हमें तेलंगाना में कमी महसूस हो रही है आपकी। आप उत्तर प्रदेश में बहुत समय दे रहे हैं, वहां पर आपने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है वहां केवल मुसलमानों को भड़काकर उनका वोट उनकी तरफ डाइवर्ट करके भाजपा को मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को हमें समझाना जरूरी है। जैसा कि बताया गया, 4% आरक्षण से लाखों हमारे अल्पसंख्यक भाइयों बहनों को मदद मिली है। सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर बन गए जो कभी बन नहीं पाते। इसलिए आज आपसे अनुरोध हमारा यही है, इस निजामाबाद की आम सभा में आप सबको मेरी प्रति से तरफ से बहुत आभार, और मुझे विश्वास है इसी प्रकार हमारी कांग्रेस पार्टी गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, व्यापारियों की, सबकी लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारे आदिवासी भाइयों, हमारे नायक समाज के लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है, इन लोगों की किसी हाथ उसमें बताइए, ये केवल लोगों को लुभावने वाले वादे करते हैं, लेना देना कुछ है नहीं। इसलिए कांग्रेस जो भी मिला है आज तक देश में, कांग्रेस ने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, इंदिरा जी ने दिया है, राजीव जी ने, नरसिम्हा राव जी ने दिया है, और यूपीए सरकार में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया है। इसी प्रार्थना के साथ आप सब लोगों को बहुत